सियासत में एक शब्दावली बार बार इस्तेमाल होती है, बैक रूम बॉयज, या फिर कहा जाता है ऐसे मैनेजर्स, या और शिष्ट शैली में कहूँ तो ऐसे रणनीतिकार जो प्रायः पर्दे के पीछे रहते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे हैं। अकादमिक सर्कल में, संगठन के स्तर पर लोग इन्हें खूब जानते हैं, जनता के बीच उतनी नहीं है पहचान, क्योंकि मीडिया में ज़्यादा आने से बचते हैं। हम लोग भोपाल में थे, विनय जी से दरख्वास्त की कि लल्लन टॉप से बात करें और उन्होंने सहमति दी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल से ही शुरुआत करते हैं। कई कार्यकर्ताओं से और भोपाल के कई रहवासियों से बात हुई, सबका एक सवाल था, क्या भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई काडर, कोई नेता, कोई कार्यकर्ता नहीं था जो इस तरह से प्रत्याशी उतारा गया साध्वी प्रज्ञा को? कि पहली बात मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल मात्र एक राजनीतिक दल नहीं है, मगर एक वैचारिक आंदोलन का हिस्सा है, और कई ऐसे समानांतर काम करने वाले, समान विचारधारा से प्रेरित होकर काम करने वाले लोग हैं, संगठन हैं, जिनके साथ हम हमेशा समन्वय बनाते हुए काम करते हैं। तो उसी यात्रा की एक यात्री ऐसे मैं हम मानते हैं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, और उनको चुनाव लड़ाना एक दृष्टि से प्रतीक वो बन जाता है, एक सिंबल बन जाता है। हमारी जो दशकों से इस देश में वोट बैंक के आधार पर एक घिनौनी राजनीति खेली गई है समाजों को बांटते हुए, उस घिनौनी राजनीति के विरुद्ध में हमने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष का प्रतीक है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। दूसरी बात यह है कि महिलाओं पर उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार और इन सारे विषयों में भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ट्रिपल तलाक के बारे में एक बहुत सार्थक कदम उठाया, तो ये जो महिला के वेदना को स्वर देने की बात है, मैं मानता हूँ कि इस हमारी कोशिश का भी प्रतीक है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। लेकिन राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि उनके ऊपर गंभीर इल्ज़ाम है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, वो सुप्रीम कोर्ट से हेल्थ के आधार पर जमानत लेकर बाहर आई हैं और अभी अति सक्रिय नज़र आ रही हैं, तो ये किस तरह की जमानत है कि जो टेरर एक्यूज्ड हैं, जो बेल पर बाहर हैं, अभी आरोपों से मुक्त नहीं किए गए, उनको मैदान में उतार के उस प्रतीकवाद की राजनीति की जाए? देखिए, इसके टेक्निकल डिटेल्स तो स्वयं हमारी उम्मीदवार ही आपको देगी, मगर पार्टी ने जो पाया है कि NIA ने उनको एक क्लीन चिट दी है, उसके आधार पर उनकी जमानत हुई है हेल्थ ग्राउंड्स पर। नहीं, हेल्थ तो उनकी बरसों से ख़राब है, जिस पद्धति से उनकी पिटाई हुई या जो शारीरिक उनको तकलीफें दी गई उसके कारण वो बरसों से हॉस्पिटल में रही थी। यहाँ भी 4-4.5 साल हॉस्पिटल में ही रही, मगर जमानत तो मिली नहीं थी। तो ये जमानत ऑन हेल्थ ग्राउंड्स नहीं है, ये चूँकि NIA ने उनको अपनी ओर से कह दिया है कि इनका कोई हाथ नहीं है, जिसके चलते उनकी अर्जी को स्वीकार किया गया और अब उस संदर्भ में उनकी ओर देखा जाना चाहिए। चलिए, मैं ये NIA की क्लीन चिट को लेकर भी बहुत विवाद हुए, रपटे आई हैं, और कल ही SIT ने गौरी लंकेश मामले में भी उनका जिक्र किया। दूसरा सवाल विनय जी जो है वो ये है कि मध्य प्रदेश में नेतृत्व, इसको लेकर बड़ी थेरीज दी जा रही हैं कि अब पार्टी आला कमान ने तय कर लिया है कि शिवराज सिंह चौहान के पार जाकर देखने का समय आ गया है, इसीलिए उनकी या उनके परिवार की जिन सीटों पर दावेदारी थी उसको नकारा गया। फिर कहा गया कि अब नरेंद्र सिंह तोमर के पीछे वजन है, फिर कहा गया कैलाश विजयवर्गीय के पीछे। भारतीय जनता पार्टी और जिस दफ्तर में हम बैठे हैं, बाहर कुशाभा ठाकरे की फ़ोटो लगी है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खटिया पे सोता रहा हो, उस पार्टी में इस तरह की गुटबाजियां और नायकों के पीछे नेतृत्व की अवधारणा, ये तो बड़ा बदला हुआ सीन लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं मानना जाना चाहिए। देखिए, पार्टी में लंबे समय से काम करने वाले नेताओं की बहुत बड़ी संख्या है। आप जिन जिन का नाम ले रहे हैं, उन्होंने कम से कम 30-30 साल राजनीति में खर्चे किए हैं, तो स्वाभाविक है उनका अपना कद बना है। वो एक दृष्टि से अपने 2-4 जिलों के समूहों से बाहर आकर प्रदेश के नेता बन गए, जिन जिन के आप नाम ले रहे हैं। तो इन नेताओं की एक वरीयता होना एक बड़ी स्वाभाविक सी बात है, उसमें कोई गलत नहीं है, और हमारे पास नेतृत्व की बिल्कुल कमी नहीं है, और कंटिन्यूटी और चेंज तो दोनों चलता रहता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही समय के लोगों के साथ ही पार्टी जाती है, नई नई धाराएं आती है, नए युवा लोग आते हैं,
तो ये तो चलता रहता है, ये एक आम बात है, इसको राजनीतिक अंदाज में लेने की कोई ज़रूरत नहीं। कई बार हम कहते हैं कि रीड द लाइन्स, यू नीड नॉट रीड बिटवीन द लाइन्स। बिटवीन द लाइन्स की तर्ज पर एक बात ये कही गई कि ये भाजपा वॉकओवर नहीं देती है किसी को। अमेठी का जिक्र किया जाता है, लेकिन फिर मध्य प्रदेश के दो उदाहरण दिए जाते हैं, गुना और छिंदवाड़ा। और कई पत्रकार, कई राजनीति पर नज़र रखने वाले कह रहे हैं कि इन दो सीटों पर तो बीजेपी ने साफ तौर पर सिंधिया और कमलनाथ को वॉकओवर दे दिया है। नहीं, ये बहुत गलत धारणा है। देखिए, एक आदत लग गई है कि इस पद्धति से जब चुनाव होता है तो एक विशिष्ट भूमिका से उसको एक पर्सपेक्टिव में देखने की। हम मानते हैं कि छिंदवाड़ा में भी हमने, हमारे जो कैंडिडेट हैं उसने बहुत अच्छी लड़त दी है, और गुना भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर हम जीत जाते हैं, इसलिए ऐसा बिल्कुल विषय नहीं है। और हमारे प्रदेश के नेताओं ने इन सारे जो कांग्रेस के स्थापित नेता हैं और जो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक दृष्टि से अपनी जागीर मानते हैं, उनको सबक सिखाने के लिए हमारा कार्यकर्ता, वहाँ की जनता तत्पर है, और उनकी आशा अपेक्षाओं के अनुरूप नीचे से जो रिकमेंडेशन आए उसके आधार पर उम्मीदवार का निर्णय हुआ है। मेरा अगला सवाल दरअसल दो गुथे हुए सवाल हैं। एक, इतना मजबूत गढ़ मध्य प्रदेश, करीबी अंतर से हारे, पार्टी ने चिंतन तो किया होगा, हार की वजह क्या रही? सिर्फ विपक्षियों के दुष्प्रचार को जिम्मेदार ठहराना उपयुक्त नहीं माना जाता। और दूसरी बात जो कई लोग कह रहे हैं कि यदि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद दिल्ली में फिर से भाजपा सरकार बनती है तो संभव है कि मध्य प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन हो, क्या भाजपा ऐसी कोई कोशिश करेगी? देखिए, भविष्य के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, और कोई कितनी भी कोशिश करे, आखिरकार जनता की जो आवाज़ होती है वो कहीं ना कहीं से तो वो सामने आती जाती है। अभी उसमें क्या होगा, वो कैसे सामने आएगी, विधायक जो मौजूदा है वो कैसे सोचेंगे, और इनकी सरकार कोई तगड़ी सरकार तो है नहीं, लूली लंगड़ी सरकार है, और के वोटों की संख्या में तो हम ही उनसे ज़्यादा हैं, तो इसलिए उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, वो तो हमारे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री और बाकी सब लोगों ने आपको कहना चाहिए। जहाँ तक संगठन की हार का कारण है, मैं मानता हूँ कि उसको उस रूप में देखा नहीं जाना चाहिए। स्वाभाविक है कि 15-15 साल जिस राज्य में आपकी सत्ता होती है तो कुछ न कुछ लोगों की अपेक्षाएँ इतनी बढ़ जाती है, और हर किसी को, जैसे नितिन गडकरी जी बहुत व्यंगात्मक तरीके से मगर वास्तविकता से कहते थे कि हर किसी को, स्वाभाविक है ना, राजनीति कोई भजन मंडली थोड़ी है, यहाँ पार्षद को मेयर होना होता है, मेयर को विधायक बनना है, विधायक को सांसद बनना है, सांसद को मंत्री, तो इट्स ए चेन ऑफ एस्पिरेशंस एंड इट्स वेरी नेचुरल इन पॉलिटिक्स, उसमें कोई गलत नहीं मानना चाहिए। अभी जब 15 साल आप सत्ता में होते हैं तो कल पार्टी में आए व्यक्ति को भी लगता है कि मुझे भी कुछ बनना चाहिए, वो गलत नहीं है, मगर उसका समय पत्रक उसने ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों ने जिंदगी खपाई उसके बाद उनको कुछ मिला, 30-30 साल लोग कतार में खड़े उसके बाद उनको कुछ मिला। अभी ये जो वितरण है सत्ता का, जो रिसाव होने का तंत्र है, इससे सारे लोगों को प्रसन्न रखना संभव नहीं होता, और उसके कारण कभी कभार थोड़ी सी चूक रह जाती है, जो मैं मानता हूँ रह गई। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो भी हुआ उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, पूरी गंभीरता से। पार्टी का तो ये पद्धति रहती है कि हम विश्लेषण करते हैं क्या कमी रहेगी, उसके ऊपर उपाय करते हैं, वो संगठन का तंत्र अपनी पद्धति से बिल्कुल कारगर काम कर रहा है। आखिरी सवाल विनय जी, दो भाजपा नज़र आती हैं, मोटा वर्गीकरण करें। एक भाजपा जिसमें संघ की नर्सरी से आए लोग हैं, जो अपने विरोधियों की आलोचना तो करते हैं लेकिन जी कहकर बात करते हैं, ये वैसा है जैसे लोकसभा में हीरेन मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच संवाद हो रहा हो कि भाई हमारे पाले अलग हैं पर एक दूसरे के प्रति इज्जत है, आपकी देशभक्ति पे कोई सवाल या संदेह नहीं। कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, अटल, आडवाणी, जोशी, ये एक लंबी कतार है जो अभी तक आती है, नितिन गडकरी का भी जिक्र होता है, राजनाथ सिंह का, सबका। एक भाजपा है जो बहुत ही स्ट्रीट फाइटर मोड में है, हिमाचल प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष सतेंद्र सत्ती मंच पर अभद्र गाली का इस्तेमाल करते हैं, यूपी के, बिहार के नेता, कभी अश्विनी चौबे, कभी गिरिराज सिंह, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो संघ की मर्यादा जो है भाषा की उसके स्तर पर कतई जस्टिफाई नहीं की जाती। एक तरफ समरस की बात होती है, सबका साथ सबका विकास की बात होती है, फिर कह दिया जाता है पाकिस्तान चले जाओ, अली और बली का मुकाबला है,
जबकि नारा तो ये था ना कि विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, ना हिंदू का विकास करेंगे ना मुसलमान का, देश का विकास करेंगे। तो ये दो पैरेलल क्या ये एक रणनीति का हिस्सा है, गुड कॉप बैड कॉप जिसे बोला जाता है, या पार्टी में बहुत सारे नए नए लोग आ गए हैं, कोई कांग्रेस से आ गया कोई कहीं से आ गया, तो ये है कि भाई चुनाव जीत जाएं उसके बाद ठीक कर लेंगे? मिले जुले कारण होते हैं। ये तो बात सही है कि पार्टी में कई लोग नए आए हैं जो राजनीतिक, जिनका पिंड प्रकृति नहीं है राजनीति की, ऐसे भी लोग आते हैं राजनीति में, आना भी चाहिए, धारा अन्यान्य होती है। तो यहाँ पर जिस तरीके से बेबाकी से कभी कभार लोग बोलते हैं और मर्यादा का भी भंग होता है जैसे आपने सही कहा, तो वो नहीं होना चाहिए। उसका जो ट्रेनिंग देना चाहिए, उसके बारे में जो सीख समझ देनी चाहिए, वो तंत्र बराबर रहता है। हमारे एक संत और जो सांसद भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर उनके एक बयान के कारण विवाद हुआ था। पार्टी के उपाध्यक्ष के नाते मुझे कहा गया था कि आप जाकर उनके ऊपर ये मतलब कभी साक्षी महाराज शो कॉज नोटिस दे आइए, तो वो हम करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि संगठन में एक इंटरनल करेक्टिव हमेशा जीवंत रहता है और वो अपनी भूमिका को अदा करता ही रहता है। हर समय उसको मीडिया को बताने की जरूरत नहीं है, बट वी आर ऑलवेज क्लीनसिंग अवर हाउस, उसमें कोई संदेह होने का कारण नहीं। और जो कुछ ऐसे निरर्गल बयान आते हैं उसकी भी पार्टी कभी स्वीकृति नहीं देती। कई बार पार्टी ने अपने आप को दरकिनार भी किया है किसी व्यक्ति के बयानबाजी से, ये भी बात सही है। मगर दूसरा एक पक्ष भी उसमें है कि ये डिस्कोर्स आखिर कौन बनाता है? डिस्कोर्स केवल राजनीतिक नल नहीं बना पाते, उसको प्रस्तुतिकरण करने वाले मीडिया के बंधु भी, किसको ज़्यादा टीआरपी मिलेगा इस भाव से अगर सोचेंगे तो गड़बड़ होगी। जैसे मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे संसद के अंदर हो बाहर हो, बहुत तरीके से अध्ययन पूर्ण भाषण करने वाले लोगों की कमी नहीं है। आज भी आप देखेंगे, मैं कोई इतना पब्लिक में जाकर भाषण नहीं करता, मगर जहाँ जहाँ करता हूँ विकास की बात हमेशा हम रखते हैं, उसके बिंदु बताते हैं, आंकड़ेवारी का हवाला देते हैं, सारी रचना करते हैं, मगर उसको कोई पब्लिसिटी नहीं मिलती। मगर जैसे बालाकोट का विषय आया, जैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों का विषय आया, उसको प्रसिद्धि ज़्यादा मिलती है। अब ये हम नहीं तय कर पाते कि किसको हेडलाइन देनी चाहिए, तो हेडलाइन में भी जब तक विकास के बिंदु नहीं आएंगे, जब तक उज्ज्वला उजाला योजनाओं का जिक्र नहीं होगा, तब तक डिस्कोर्स कैसे बदलेगा? किसी ने तो तय करना चाहिए कि हम विकास की हुई प्राथमिकता देंगे, तब जा करके मीडिया भी सेट करेगा एक दृष्टि से एजेंडा, और राजनीतिक नेताओं को भद्र भाषा में विकास के बारे में ही बात करने एक दृष्टि से मजबूरन आवश्यक हो जाएगा। ये होना चाहिए, इसलिए मैं किसी एक को दोष नहीं दे रहा हूँ। दोनों ने मिलकर, समाज के सारे वर्गों ने मिलकर हमारे डिस्कोर्स का जो स्तर है उसको और ऊंचा करने की और गरिमामय करने की ज़रूरत है, ये बात सही है। क्योंकि विनय जी आप जो कह रहे हैं, मैं उसी संदर्भ में ये पूछ रहा हूँ, भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ने जिस तरह के बयान दिए कि मैं बाबरी मस्जिद पर चढ़ी, फिर बीमारी को लेकर, हेमंत करकरे को लेकर जिसको बयान दिए, पार्टी को किनारे करना पड़ा खुद को उन बयानों से, और उसके बाद से ये भी निर्देश ऐसा कहा जाता है दिए गए कि भाई संभल के बोलिए, कुछ भी ना बोल दीजिए। पर ऊपर से जब शुरू करते हैं कि चुनाव, मैं आपको बताऊं, बिहार में एक आदमी ने, वोटर ने बड़ी मौजूद टिप्पणी की भाजपा पर भी और विपक्षियों पर भी, बोले दोनों चुनाव लड़ने आते हैं भाजपा और महागठबंधन के लोग, शुरुआत विकास से करते हैं, वोट आते आते भाजपा गाय की बात करने लगती है और महागठबंधन जात और आरक्षण की बात करने लगता है। तो वोटर देख रहा है, समझ रहा है कि प्रधानमंत्री पर भी इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं कि एक भाषिक मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन नहीं होता, कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कभी जर्सी गाय। वो लोग कहता है कि भाई आप आलोचना करिए, आपने विकास किया, आप दावा करते हैं, आप उनकी बात करिए, लेकिन वो मर्याद रही नहीं है। इसलिए मैं मानता हूँ कि इस सबका मिलकर ये काम होना चाहिए, और ऐसा कोई इसमें वन अपमैनशिप का विषय नहीं है, और उसने कुछ किया तो हमने कुछ करना चाहिए ये वाला भी विषय नहीं है। मगर आखिरकार ये बात तो सही है ना कि भारत की राजनीति में हमारी विचारधारा हमेशा एक राजनीतिक अस्पृश्यता की शिकार बनती रही। ये जो सारी मौत का सौदागर से लेकर सारी जो अभद्र भाषा है, ये हमारे बारे में ज़्यादातर उपयोग में आई, तो कहीं किसी कार्यकर्ता के मन में कोई भाव आता है, अभिव्यक्त तो हो जाता है, मगर कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे सारे नेताओं की ये धारणा है कि विकास के बिंदु को प्राथमिकता देकर ही चुनाव लड़ना है। हाँ, विकास की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, ये शब्द मुझे बताइए और किसी ने यूज किए हैं?
मुझे बताइए किसी राजनीतिक दल ने अपने परफॉर्मेंस के लिए हमें वोट दो ऐसा कहा है? किसी ने कहा नहीं। हमारे पास ये कहने की हिम्मत है क्योंकि हमने ये बता दिया है, देर इज़ ए प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड दैट वी कैन सीक वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ आवर परफॉर्मेंस। विनय सहस्रबुद्धे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति, इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करवाएं। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।